दोस्तों 22 गेंदों में ही 112 रन ठोक दिए यशस्वी जायसवाल ने। आखिर उन्होंने ये कारनामा कैसे किया? मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने कितने रन बनाए? मुंबई और राजस्थान के बीच सांसें रोक देने वाले मुकाबले में किसने की जीत हासिल? अपने बर्थडे के दिन कौन सा कारनामा किया रोहित शर्मा ने? ईशान किशन, कैमरन ग्रीन से लेकर सभी बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए? और आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले में किसने की जीत दर्ज? दिखाएंगे रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में ऐतिहासिक आईपीएल का 1000वां मुकाबला खेला गया। यही नहीं दोस्तों, ये मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि इस दिन रोहित शर्मा का बर्थडे भी था। रोहित शर्मा के जन्मदिन के दिन तोहफा देते हुए यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के खिलाफ गजब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोस्तों मुंबई के लिए ही रणजी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ने केवल 62 गेंदों में ही 124 रन ठोक डाले। आपको बता दें, छोटे से इस बल्लेबाज ने 8 छक्के और अपनी पारी में 16 चौके लगाए। यशस्वी जायसवाल ने 122 रन तो केवल बाउंड्रीज से ही बनाए। यानी दोस्तों कुल मिला जुलाकर 22 गेंदों में यशस्वी जायसवाल ने 112 रन ठोके थे। वो जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी ही थी जिसके दम पर मुंबई के सामने राजस्थान रॉयल्स ने 213 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया। अगर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की बात करें तो उनके लिए सबसे ज्यादा विकेट युवा तेज गेंदबाज अरशद खान ने लिए, जिन्होंने 3 सफलता हासिल की। पीयूष चावला ने भी 2 सफलता अपने नाम किए। एक एक विकेट जोफ्रा आर्चर और रायली मेरेडिथ ने भी अपने नाम किया। दोस्तों मुंबई के सामने 213 रनों का एक विशाल लक्ष्य था। स्टेडियम में आए सबको यही उम्मीद थी कि रोहित शर्मा अपने बर्थडे के दिन बड़ी पारी खेलेंगे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह भी इस मुकाबले में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखने हुए स्टेडियम आए हुए थे। लेकिन सबकी उम्मीदों का खात्मा करते हुए रोहित शर्मा 5 गेंदों में 3 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें संदीप शर्मा ने एक खतरनाक गेंद डालते हुए रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके सबकी उम्मीदों का तगड़ा झटका दिया। रोहित के आउट होने पर उनकी पत्नी रितिका भी बेहद निराश दिख रही थी। दोस्तों रोहित शर्मा जब आउट हुए तब मुंबई इंडियंस का स्कोर मात्र 14 रन था। मुंबई का कप्तान जा चुका था और मुंबई इंडियंस मुश्किलों में फंस चुकी थी। लेकिन अब तक मुंबई इंडियंस के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले कैमरन ग्रीन ने मुंबई की पारी की बागडोर संभाली। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते मुंबई इंडियंस को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों 7.4 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने 71 रन बना लिए थे। कैमरन ग्रीन ने केवल 21 गेंदों में 40 रन ठोके दिए, जिसमें उन्होंने 4 बेहतरीन चौके और 2 खतरनाक छक्का भी लगाया। वहीं दूसरे छोर पर ईशान किशन ने 20 गेंदों में 24 रन बनाए थे। 3 चौके लगाते हुए ईशान किशन कैमरन ग्रीन का बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों इसके बाद फिर क्या था, एक्सिलरेट करते हुए ईशान किशन ने एक और चौका लगा दिया। अब उनका स्कोर 22 गेंदों में 28 रन हो चुका था और मुंबई इंडियंस भी 75 रन बना चुकी थी। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 72 गेंदों में 138 रनों की दरकार थी। और जिस तरीके से ये दोनों ही युवा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, मुंबई की जीत आसान लग रही थी। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला कभी भी पलट सकता था। अगर मुंबई इंडियंस के आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव, टीम डेविड जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर मुकाबला पलट सकते हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की बात करें तो एक विकेट मात्र संदीप शर्मा ने अपने नाम किया था, बाकी के गेंदबाजों को अब तक निराशा ही हाथ लगी थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस साल रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।